रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ घर की बैक साइड पे जहाँ पे हम जानवर वगैरह बांधते हैं, तो अभी जानवर को चारा वगैरह डाला है और चारा वगैरह डालने के बाद जो है ना अभी ड्राइवर की कॉल आई थी, ज़मीन तैयार करनी है जिसमें हमने लगाना है प्याज और बीटी, और उसके लिए हमने ज़मीन तैयार करनी है। तो अभी जा रहे हैं ज़मीन तैयार करने के लिए, ट्रैक्टर वाले की कॉल आई है कि वो मतलब कि आ गया हुआ है, तो बस अब निकलने लगे हैं ज़मीन की तैयारी के लिए जहाँ पे हल चलाने हैं। चलें आपको दिखाते हैं कि प्याज और कपास के लिए ज़मीन किस तरह तैयार की जाती है, क्या तरीक़ाकार होता है ज़मीन तैयार करने का, कपास लगाने का और प्याज वगैरह लगाने का। बेसिकली अभी जो है ना कपास को तो दे रहा है, कपास का जो मौसम है कपास की बिजाई को अभी दे रहा है, बट जो है ना प्याज की बिजाई के लिए मौसम आ गया। तो एक ही ज़मीन में पहले हम प्याज लगा देंगे और जब कपास का मौसम आएगा ना फिर उसी में ही बीज डाल देंगे, कपास का केले वगैरह बना देंगे एक ही टाइम पे। तो अभी जो है ना 1.5-2 महीने बाद हम लगाएंगे कपास, फिलहाल हमने लगाना है प्याज। तो चलें आपको दिखाते हैं कि ज़मीन किस तरह तैयार करते हैं। अभी हम गाड़ी वाले की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी वाला पहुँच गया ज़मीन में जहाँ पे हमने वो ज़मीन तैयार करनी है प्याज लगाने के लिए। और ट्रैक्टर वाला पहुँच गया, काफ़ी हो गया है, बादल बन गया है, थोड़ी देर पहले तो मौसम ठीक था, काफ़ी धूप थी लेकिन अभी वाला मौसम चेंज हो गया है। ये रोटर जब फाइनल हो जाएगा ना तो उसके बाद ट्रैक्टर वाला खुद ही हल वगैरह चला लेगा, हल चलाने के बाद जो है ना प्लांटर निकालेगा। तो अभी जुमे का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए। इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ना हमने प्याज लगाने हैं। तो ये ज़मीन कल बना गए थे जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया, ये जो है ना फिर जुमे का टाइम हो गया था, मैं तो चला गया था जुमा पढ़ने के लिए, लेकिन जो ड्राइवर है ना ट्रैक्टर वाला उसने खुद ही ज़मीन तैयार की थी, बाकी जो काम रह गया था। तो अभी हम सुबह सुबह आए हैं तो नाश्ता वगैरह करके ये जगह बनानी है, क्योंकि आगे ट्रैक्टर तो यहाँ तक ही गई थी, इससे आगे ट्रैक्टर नहीं जा सकती थी और प्लांटर ना यहाँ पे रुक गया था। अब ये जो है ना ये खेल हमने बनानी है, ये साफ़ करनी है, ये मिट्टी यहाँ से निकाल के साइड पे रखेंगे और ये खेल ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लांटर जब निकलता है ना तो उसमें जो खेलें होती हैं उनमें से मिट्टी निकालना होती है ताकि पानी जो है ना आसानी से सारी खेलों को कवर कर सके। तो इस तरह सबसे पहले मिट्टी निकालेंगे, तो उसके बाद प्याज लगेगा। कान लो कान ला।